सो सिंथेसिस ऑफ इंडोलिस्टिक एसिड इन प्लांट रिक्वायर्स इंडोलिस्टिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है एक वो एक ऑक्सीजन है, उसी के लिए जिंक चाहिए होता है। द टर्म फोटो फाइटो हार्मोन फॉर हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स इज सजेस्टेड बाय थीमैन। द टर्म जेनेटिक रिसोर्सेज वॉज कॉइंड बाय फ्रैंकल। जो जेनेटिक रिसोर्सेज टर्म कॉइन किया गया था वो फ्रैंकल के द्वारा किया गया था। मेंडल बिगन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी इन 1857। मेंडल पेपर एंटाइटल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडेशन वॉज प्रेजेंटेड इन जर्मन लैंग्वेज इन टू पेपर्स इट इज इन 1865। मेंडल पेपर पब्लिश्ड इन द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ सोसाइटी इन 1866। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाय बटेसन। टर्म जीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप यूज बाय जोहानसन इन 1903। जर्म प्लाज्म थ्योरी वॉज प्रपोज बाय विजमैन। क्रॉसिंग ओवर टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय मोर्गन एंड कैटल इन 1911। ओपेरन मॉडल जो जीन का रेगुलेशन का कंसेप्ट होता है एक ओपेरन मानव द्वारा डेवलप किए थे। तो ओपेरन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मैनोथ इन 1961। द टर्म क्रोमोजोम वॉज कॉइंड बाय वाल्डियर इन 1888। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय बेडल एंड टैटम इन 1941। जो बेडल एंड टैटम ने वन जीन वन हाइपोथेसिस, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जीन वॉज डेवलप्ड इन सिस्ट्रॉन म्यूटन एंड ट्रैकॉन बाय बेंजर। जो बेंजर है वो ही डिस्कवर मतलब डिवाइड किए थे एक जीन को सिस्ट्रन रेकॉन और म्यूटन में इन 1955। सेक्स क्रोमोजोम आर आल्सो नोन एज एलोजोम। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन जो मेयोसिस होता है उसी में क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज में पूछा जाता है कि कौन सा स्टेज में होता है, वो पाचिटिन स्टेज में होता है। द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू रिमेन टुगेदर इन द सेम क्रोमोजोम ड्यूरिंग इनहेरिटेंस रेफर्ड एज लिंकेज। उसको ही लिंकेज कहा जाता है जो एक ही साथ में इनहेरिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। द कंडीशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। कियाज्मा टाइप थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वॉज प्रपोज बाय जॉनसन्स। जेनिक बैलेंस सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज प्रपोज बाय ब्रिज इन 1922। मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन अस्पारागस पपाया मेज स्पाइनाक एट्सेट्रा। अस्पारागस में पपाया में स्पाइनाक में और मेज में उन्हीं में पाया जाता है। दी होमोजाइगस प्रोजेनी ऑफ ए सेल्फ पोलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट इज नोन एज प्योर लाइन्स। कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइन्स थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय जोहानसन। डानिश बायोलॉजिस्ट ब्रीडिंग मेथड ऑफ हॉर्स सेल्फ पोलिनेटेड क्रब्स आर प्योर लाइन सिलेक्शन, मास लाइन सिलेक्शन, प्रोजेनी सिलेक्शन, बॉल्क मेथड, पेडिग्री, सिंगल सेट डिसेंट, बैक क्रॉस मेथड। इनमें से चार मतलब दे दिया होगा और आपको पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये जो थोड़ा टॉप लेवल क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बैंकिंग में तो इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिए, थोड़ा टॉप लेवल ही आप एक्सपेक्ट करते रहिए। सो डू प्रिपेयर लाइक दैट। ए मल्टी लाइन वेराइटी इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योर लाइन्स। सेवरल प्योर लाइन्स बहुत सारे प्योर लाइन अगर हम मिक्स कर देंगे तो हो जाएगा वो मल्टी लाइन्स। बल्क मेथड अब वॉज फर्स्ट यूज बाय नेल्सन एल इन 1908। द मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क मेथड इज सिंगल सेट डिसेंट। अगर बल्क मेथड को हम मॉडिफाई करेंगे तो सिंगल सेट डिसेंट मेथड आएगा। इन प्योर लाइन थ्योरी जोहानसन वॉज वर्किंग ऑन प्रिंसेस वेराइटी ऑफ राजमा। जो राजमा का प्रिंसेस वेराइटी है उसी में जोहानसन वर्किंग किए थे। वो जो प्योर लाइन है सेल्फ पोलिनेटेड मेथड पोलिनेशन मेथड मास पेडिग्री मेथड वॉज प्रपोज बाय हारिंगटन इन 1937। दी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन इज मास सिलेक्शन। सबसे पुराना मेथड है मास सिलेक्शन जो कि हम सदियों सालों से हजार सालों से जो हमारे आंसिस्टर्स थे या फिर जब कुछ भी नहीं था ये तो अब एग्रीकल्चर तो साइंस होके अब इतना डेवलप कर चुका है पर जो हमारे आदिम आदिवासी थे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थे उसी में से भी जो एग्रीकल्चर कर रहे थे वो वैसे ही कर रहे थे। जो मेथड है मास सिलेक्शन एक बार उगाया जाएगा फिर उनका सीड कलेक्ट किया जाएगा और फिर मास में वो जो स्विंग किया जाएगा उसी को ही मास सिलेक्शन कहा जाता है। प्रोजेनी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय डी बिलमोरिन लुइस डी बिलमोरिन। जैसे कि प्रोजेनी टेस्ट डेवलप किया गया था बिलमोरिन के द्वारा। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज बिलमोरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल। सिंगल सेट डिसेंट मेथड अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओट इन 1965 बाय ग्राफियस। द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन वॉज कॉइंड बाय हल। जो साइंटिस्ट है
हॉल उसी उन्हीं ने डेवलप किए थे 1945 में, रिकरेंट सिलेक्शन का टर्म, ठीक है। द मोस्ट यूज ऑफ सिंथेटिक वैरायटी फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन मेज बाय हेज एंड गार्बर, हेज और गार्बर ने उसी को कमर्शियल कल्टीवेशन में सिलेक्ट किए थे, ठीक है। सिंथेटिक वैरायटीज आर मेंटेन्ड बाय ओपन पोलिनेशन, द सिंथेटिक वैरायटी कैन बी डेवलप फ्रॉम सिंथेटिक वैरायटी कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम इन ब्रिड्स क्लोन्स एंड ओपन पोलिनेटेड वैरायटी। ओपन पोलिनेटेड वैरायटी जो आपस में इंटरमेट करेगा और एक वैरायटीज देगा उसी को भी सिंथेटिक वैरायटी हम मान सकते हैं। इन ब्रिड क्लोन्स एंड ओपन ओपी भी ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज में हम एक सिंथेटिक वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। द जनरल और बेसिक कॉन्सेप्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटीज इज एक्सप्लोइटेशन ऑफ हाइब्रिड वीगर, जो हमें हाइब्रिड चाहिए, हाइब्रिड का वीगर जो उसका अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर गुड होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक अच्छा होना चाहिए, उसी को ही हम एक्सप्लोइट करते हैं। हाइब्रिड वीगर में द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव मैटिंग एंड सिलेक्शन वॉज डेवलप्ड बाय माथर एंड थोड़ी एंड ओके 1953 माथर हैज डिस्कवर्ड दिस एंड थोड़ी डिस्कवर्ड इट एट 1958। कॉन्सेप्ट ऑफ डाई एलिड सिलेक्टिव मैटिंग सिस्टम वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन जॉनसन इन 1970। हेटरोसिस इज नोन एज हाइब्रिड वीगर, जो होता है हेटरोसिस उस वो कैसे पाया जाता है हाइब्रिड वीगर के थ्रू। टर्म हेटरोसिस वॉज फर्स्ट यूज बाय सॉल इन 1914। डोमिनेंस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय डेवनपोर्ट इन 1908। द क्रॉस बिटवीन टू इन ब्रिड लाइन्स एंड ओपन प्लेटेड वैराइटीज वॉज ड्रॉन बाय टॉप क्रस मेथड। दी रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट टू पर्टिकुलर रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वर्टिकल रेजिस्टेंस। वर्टिकल रेजिस्टेंस इज गवर्न बाय वन और फ्यू जीन, एक जीन और बहुत सारे, मतलब कुछ ही जीन, बहुत सारे नहीं होंगे, मेन नहीं होंगे, वन और फ्यू जीन के द्वारा ही वर्टिकल रेजिस्टेंस। हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को मेन बहुत जीन्स पॉलीजेंस के द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट टू ऑल रेसेस ऑफ पैथोजन इज नोन एज हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द मेनी जीन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज डेवलप्ड बाय एच फ्लोर इन 1946। डिजीज रेजिस्टेंस इज गिवन बाय सेवरल जीन्स, बहुत सारे जीन्स के द्वारा डिजीज रेजिस्टेंस गिवन होता है। डेवलप्ड दी हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जेई वैंडर प्लैंक डेवलप्ड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज पॉल बर्ग। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डेवलप्ड बाय कार्ल मूलिस। गोल्डन राइस वाज डेवलप्ड बाय इंगो पोर्टिकस एंड पीटर बेयर। द प्लांट व्हिच इज यूज्ड फॉर रीजनरेशन इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। दैट प्लांट यूज्ड इज कॉल्ड एक्सप्लांट। ए मास ऑफ जनरेटेड सेल्स इन कल्चर मीडियम इज नोन एज कालस। देन द सस्पेंशन ऑफ फ्री सेल्स ऑफ कालस इन ए लिक्विड मीडियम इज नोन एज सस्पेंशन कल्चर। रीजनरेशन कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू डेवलप इन टू होल प्लांट इट नोन एज टोटिपोटेंसी एंड ड्यू टू टोटिपोटेंसी इट डेवलप्स इन टू ए न्यू प्लांट। वाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज फ्रॉम कालस। इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, कालस से पूरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के पूरा प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन हो गया है, आरआर के जगह एफएफ होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सूट एंड रूट फ्रॉम ए सोमाटिक एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। जो सोमाटिक एम्ब्रियो होता है उसी में से अगर डिफरेंशिएशन हो के अगर कोई ऑर्गन डेवलप करे या फिर रूट एंड सूट डेवलप करे, रूट एंड सूट भी तो एक ऑर्गन होता है, वो डेवलप करे तो उसी को कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। फाइन, अगेन रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एंथर इज कॉल्ड एंथर कल्चर। हैप्लॉयड आर डेवलप्ड बाय एंथर कल्चर। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, द टर्म ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इज ए टर्म दैट हैज बीन यूज टू डिस्क्राइब मेरीन एंड यूएटिक एप्लीकेशन ऑफ टू डिस्क्राइब। देन द बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोसेस इज नोन एज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। रिमेंबर इट, द बायोटेक्नोलॉजी डेवलप टू एग्रीकल्चर प्रोसेस इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। देन एम आर एन ए इज प्राइमरीली यूज फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डी एन ए। आर एफ एल पी स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर फिजिम। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर फिजिम। प्लांट टिश्यू कल्चर वॉज बिगन बाय जी हैपललैंड, जर्मन बोटानिस्ट इन 1808।
रिसर्च इन द एरिया ऑफ टिश्यू कल्चर वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया एट डिपार्टमेंट ऑफ बोटानी दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1970s. नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. द प्रोजेक्ट इन इंडियन मस्टर्ड ऑयल विथ हायर बीटा कैरोटीन इज इनिशिएटेड बाय टेरी. A genotype developed by the process of genetic engineering is called as transgenic, which is gene cloning, a technique of genetic engineering which is used for make several identical copies of gene. It is called as gene cloning. Which soil-borne bacterium is used for developed of transgenic plants? Agrobacterium tumefaciens. ठीक है. In potato, the protein quality has been improved by ट्रांसफरिंग सीरम एल्बुमिन जीन फ्रॉम ह्यूमन. जो सीरम एल्बुमिन जीन, ये याद रखिएगा, सीरम एल्बुमिन जीन कहाँ पर यूज कर किया जाता है, प्रोटीन क्वालिटी पोटैटो में मतलब डेवलप करने के लिए ही सीरम एल्बुमिन जीन यूज किया जाता है. सीरम एल्बुमिन जीन यूज करेंगे तो पोटैटो में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ेगा और वो न्यूट्रिशनली रिच होगा, जो कि एक पुअर लोगों का, इसको कहा जाता है पुअर मैंस फूड भी कहा जाता है पोटैटो को. जहाँ पे कुछ नहीं मिलता खाने को वहाँ लोग आलू खाते हैं. जैसे कि हमारा जो लिस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहीं उस एरिया में ज़्यादातर आलू खाया जाता है. ठीक है. इन टोबाको कोल्ड रेजिस्टेंट पावर हैज बीन अचीव्ड बाय ट्रेनरिंग जीन फ्रॉम अरेबिडोप्सिस थालियाना. लिटिल लीप ऑफ साइट्रस इज कॉस्ड बाय एमएलओज जो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स. पहाड़ा ब्लाइट इन सुगर कैन इज कॉस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मंगानीज. एमएन रिक्लामेशन डिजीज इज कॉस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर. ये तो पता ही होगा. लेड ब्लाइट ऑफ पटाटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस व्हिच इज ए फंजी फंगल डिजीज. बंची टॉप ऑफ बनाना इज कॉस्ट बाय वायरस. जो बंची जो बनाना का पेड़ होता है उसी में ट्री के ऊपर ही ऊपरी भाग में एक बंच का जैसा हो जाएगा, उसी को बंच टॉप ऑफ भाइना बनाना कहते हैं. वो एक वायरल डिजीज जो सीवियर वायरल डिजीज है. ग्रासी सूट डिजीज ऑफ सुगर कैन इज कॉस्ट बाय माइकोप्लाज्मा. क्रिसक इन राइस इज कॉस्ट बाय जैंथोमोनास ओरिजी. हार्ट रॉट ऑफ सुगर बीट इज कॉस्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोरन. मोस्ट डेंजरस डिजीज ऑफ पटाटो लेट ब्लाइट ऑफ पटाटो. फिलोलॉजी डिजीज इन प्लांट्स इज कॉस्ट बाय माइकोप्लाज्मा. सो नेक्स्ट क्लॉप रूट ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉस्ट बाय प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके. सीथ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉस्ट बाय राइजोक्टोनिया सोलानी. वेक्टर ऑफ लिप कॉल डिजीज इन कटन इज व्हाइट फ्लाइज. ओरोबांकी एच ए पैरासाइट एसोसिएटेड विद टोबाको. एक्योची डिजीज इज ड्यू टू सल्फर टॉक्सिसिटी. व्हाइट रॉस्ट ऑफ क्रिस्पर्स इज कॉस्ट बाय अल्बुको कैंडिडा फंजी. उफरा डिजीज इन राइस इज कॉस्ट बाय नेमाटोड. व्हिपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एमओ मोलिब्डेनम. वेक्टर ऑफ राइस टुंग्रो वायरस इज ग्रीन लीफ ओवर. क्रिसक सिम्टम इज फाउंड इन बैक्टीरियल ब्लाइट. लूज स्मॉट डिजीज ऑफ व्हीट इज इंटरनली सीडबॉर्न. अगर उसी को इंटरनली सीडबॉर्न होता है उसी को हम इजीली रिमूव कर नहीं सकते. मांटेक डिजीज ऑफ राइस इज कॉस्ट बाय राइस रूट नेमाटोड. इट इज ए नेमाटोड डिजीजर. राइस का जो रूट नेमाटोड कहते हैं उसी के द्वारा हमारे मांटेक डिजीज होता है. येलो लिप्स ऑफ टी इज अकर्स ड्यू टू सल्फर डिफिशियंसी. सल्फर के डिफिशियंसी होता है तो वहीं पे येलो डिजीज येलो लिप्स हो जाता है टी का. डायबैक ऑफ सूट्स अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर. डायबैक ऑफ मेजर डायबैक इज ए मेजर डिजीज ऑफ रोज. रोज का एक गुलाब का एक मेजर डिजीज होता है डायबैक. ओके. क्रॉप सोइंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू नेमाटोड इज मैरीगोल्ड. नेक्स्ट द लेट ब्लाइट डिजीज डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड इन 1845. जिसको कहा जाता है जो आयरिश फेमिन भी कहा जाता है. आयरिश में पूरा तबाह कर दिया था वो पोटैटो डिजीज ने. ठीक है. फादर ऑफ पैथोलॉजी इज एंटन डी बेरी. फादर ऑफ माइकोलॉजी इज पी ए मिचेली. लाइफ साइकिल ऑफ व्हीट रॉस्ट इज गिवन बाय के सी मेहता. टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोरन. पैथोजन एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर इज प्लाज्मोफोरा वेटिकोला. लूज स्मॉट ऑफ व्हीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सीड ट्रीटमेंट ऑफ बीटाबॉक्स. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु में है वहीं पे ही फर्स्ट लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो
इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि पहले क्वारंटाइन की कमी थी और क्वारंटाइन मेजर्स ठीक से नहीं लिए जाते थे, इसीलिए वहाँ पे पहले नीलगिरी हिल्स में जहाँ पे पर्यटक ज़्यादा घूमने आते हैं वहीं पे ही पहले पाया गया है। और एक वो एक मतलब कोल्ड टेम्परेचर एरिया है वहाँ पे, जैसे कि हिल्स है तो एक समर का समर वैकेशन पे लोग यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, बहुत सारे भीड़ रहता है। एक समर वैकेशन क्यों सब मीन्स पूरा का पूरा जो साल भर वहाँ पे भीड़ जमी रहती है, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन है, ठीक है। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज कॉस्ड बाय पुअर वेंटिलेशन स्टोरेज, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कमी से ब्लैक हार्ट हो जाता है पोटैटो का। अंदर जो मिड पोर्शन है ऊपर सट जाता है। दी टूंटू डिजीज ऑफ हुईट इज यूजुअल एसोसिएटेड विद नेमाटोड, ये फंजे और नेमाटोड के एसोसिएटेड में होता है, उसी को जो फंजे होता है सॉरी जो नेमाटोड होता है उसी का नाम एंग्विनाटिटिस होता है। ओके, उद्भट्टा डिजीज ऑफ राइस इज नोन एज एफिलिस ओरिजी। जो क्लाविबैक्टीरियम ट्रिटिसी है, क्लाविबैक्टीरियम ट्रिटिसी के साथ मिल के एंग्विना ट्रिटिसी ये जो टुंटू डिजीज है वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। देन रिंग रॉस्ट ऑफ एवला इज कॉज्ड बाय राबेनेलिया एम्ब्लिका, एम्ब्लिका मीन्स ये तो है होला का एक स्पेसिज, ठीक है। फ्लैक्स मोट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय यूरोसिस्टिस ग्रामिनस, दी लिप कॉल डिजीज ऑफ टोबाको इज कॉज्ड बाय वायरस एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई, लिप ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉस्ड बाय अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा। सो फ्रेंड्स, आपको डिस्कशन कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको वीडियो मीन्स जो पीडीएफ है आपको सेंड कर दूँगा वहाँ पर, ठीक है। और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जो कि हमें एक इंस्पिरेशन देता है ये सब वीडियो बनाने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।